खबरों में बीकानेर, बीकानेर में बारिश होने का मतलब है निचले इलाकों में पानी भर जाना। और इस माह के आरंभ में जब बारिश हुई और अच्छी खासी हुई तो हमने लिखा था चेतावनी दे गई बारिश। ये चेतावनी इस मामले में थी कि यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था माकूल नहीं है और इससे सड़कें तो लबालब हो जाती है, घरों में भी पानी आ जाता है। ख़ास तौर पर निचले इलाके के लोग परेशान होते हैं। और ऐसा ही फिर हुआ जब भारी बारिश दो दिन लगातार आई और इससे पुरानी गिरनानी क्षेत्र सहित बीकानेर के हुए सभी निचले इलाके लबालब हो गए। लोगों को भारी परेशानी हुई। यहाँ तक कि सू सागर, जिसका नवीनीकरण और पुनर्थान जो किया गया था वह भी मतलब लेट सा हो गया, क्योंकि सू सागर में बारिश से भरा पानी और गटरों से मतलब पानी उजा मिला और बदबूदार हो गया। इस बारे में जब मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने अपने बीकानेर दौरे में इसका जिक्र अपने कार्यक्रम में किया और यूआईटी के चेयरमैन महावीर राका को चैलेंज किया कि इस समस्या को 15 दिन में सॉल्व कर दिखाएं। और अब महावीर राका उस चैलेंज को स्वीकार कर दिन रात सूर सागर के उद्धार में लगे हैं। उनके साथ ही उनका स्टाफ और कर्मचारी, ठेकेदार के आदमी सभी कार्य कर रहे हैं। आज दिनांक 29 जुलाई 2018 को दोपहर में हमने पत्रकारों के साथ जब सूर सागर का मौका मुआयना किया तो वहां पर 2-3 मोटरें लगातार चलती थी। एक जेसीबी मशीन भी खड़ी थी, कुछ ट्रैक्टर भी लगे हुए थे और पाइप से पानी जो मोटरों से निकल रहा था सीधा गटरों में जा रहा था। सूर सागर में पानी अब सीढ़ियों के उस स्तर पर आ चुका है जहाँ से संभवतः सीढ़ियाँ शुरू होती है और शेष पानी जो काफ़ी बचा है उसे निकलने में जो वक्त लगना है उसके बारे में अंदाज है कि में निकल सकता है। अब तक करीब 18 फीट से ज़्यादा पानी सूर सागर से निकाला जा चुका है। सूर सागर में जो पानी का झरना सा बहा था वो था सूर सागर की रेलिंग में से गुजरता हुआ पानी सूर सागर में मिल रहा था। बरसात का इतना पानी था कि सड़क पर खड़ा आदमी लगभग उस पानी में डूब सा जाए, यानी 5-6 फीट पानी वहाँ एकत्र हो गया था सड़क पर। बीकानेर में पानी निकासी की व्यवस्था को और माकूल करना नितांत जरूरी है। खबरों में बीकानेर के लिए मोहन थानवी है।